मैं हूं जिनू जोसेफ। मॉडर्न बिजनेस टीवी और मॉडर्न प्लास्टिक्स टीवी और मॉडर्न बिजनेस नेटवर्क, वुमन इंडिया नेटवर्क और मॉडर्न प्लास्टिक नेटवर्क की मुख्य संपादक इंडिया से हैं। हम नेपाल आए हैं, नेपाल में काफ़ी फैक्ट्रीज विजिट किया है और चलते रहेंगे, विजिट करेंगे और कंपनीज और फैक्ट्रीज। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मिस्टर कोम कांदा रेग्मी, फेडरेशन ऑफ नेपाल प्रिंटर्स एसोसिएशन, यहाँ का सबसे बड़ा प्रिंटिंग एसोसिएशन है। सर, वेलकम टू मॉडर्न बिजनेस टीवी एंड मॉडर्न प्लास्टिक्स टीवी। आपने आपका टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपकी एसोसिएशन इंडस्ट्री के लिए, प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए क्या क्या करता है और आपकी एसोसिएशन की मिशन विशन क्या है? आने वाले दिनों में आप क्या क्या करने चाहते हैं, आपको क्या सपोर्ट चाहिए और एसोसिएशन से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? सर धन्यवाद। आपने जो भारत से आकर हमें नेपाल प्रिंटिंग एसोसिएशन के बारे में कुछ कहने का मौका दे दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेपाल में करीब 77 जिले हैं, इसमें 14 अंचल हैं और इसमें नेपाल का सबसे जिला में करीब करीब 55 जिला में प्रिंटिंग एसोसिएशन है। नेपाल का 77 जिला के अंदर में 55 जिले में अभी एसोसिएशन बन चुका है और वो सारी एसोसिएशन की अम्ब्रेला एसोसिएशन FNPA है। तो FNPA ने ये मेंबर लोगों को, जो जहाँ का ये एसोसिएशन का ये मेंबर बनता है, उनको सपोर्ट के लिए हम लोग टेक्निकल सपोर्ट करते हैं, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट करते हैं, उनको काम के बारे में सपोर्ट करते हैं। हम लोग चाहते हैं विकेंद्रित जो नेपाल का 7 प्रदेश है, उसी में जो काम होता है तो सेक्टर वाइज काम करवाने के लिए गवर्नमेंट को बताते हैं। और एसोसिएशन का ज़रूरी क्यों है, क्यों एसोसिएशन ज़रूरी है, ये बारे में भी हम लोग मेंबर लोगों को बताते हैं और उनको क्रियाशील बनाने के लिए, उनको इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग उसमें जाके उनको गैदरिंग करवा के एसोसिएशन के बारे में हम लोग बताते हैं। और क्योंकि खुला बाज़ार है, खुला मार्केट में हम लोग प्रतिस्पर्धा कैसे करते हैं, कम प्रतिस्पर्धा ना करें, फायदा के लिए काम करें, एसोसिएशन लोगों को, सारे सदस्य लोगों को हम लोग ये भी बताते हैं। और टेक्निकल सेक्टर में हम लोग जाके उनको इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का काम करने के लिए जिले जिले में हम लोग एसोसिएशन की तरफ से कोई आदमी हायर करके उनको भेजते हैं। तो उन्होंने पैसा तो उन्होंने देते हैं, लेकिन मशीन का मेंटेनेंस, मशीन का काम जो करवाने के लिए एसोसिएशन ने हेल्प करता है। और एसोसिएशन ने सारे मेंबर लोगों को एक्टिव करवा के हम लोग ये नेपाल में FNPA का एक जागरूक संस्था बनाकर उन्होंने गवर्नमेंट को लेकर, गवर्नमेंट में जाकर उनको पॉलिसी लेवल में काम करवाने के लिए हम लोग मेंबर लोगों को सपोर्ट करते हैं। आपने हमें बताया है कि आपकी यहाँ पर क्वालिफाइड लेबर नहीं होने से आपको बहुत सारा चुनौती होता है, तो आप लोग उसके लिए कुछ करना चाहेंगे या आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट आपके लिए क्या सपोर्ट देवे, बताएंगे सर? हम लोग नेपाल सरकार के लिए बहुत रिक्वेस्ट किए हैं, क्योंकि एक नेपाल में एक छोटा सा या तो मान्यवर तरीके से एक प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट की आवश्यकता स्थापना करने के लिए हम लोग गवर्नमेंट से डिमांड भी किए हैं। हम लोग बहुत ही तरीके से हम लोग इनको गवर्नमेंट को बोले भी है। और दूसरा तीसरा चीज़ क्या है कि हम लोग एसोसिएशन की तरफ से जो नेपाल सरकार अंदर का जो गवर्नमेंट है, उन गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट का जगह से भी हम लोग ट्रेनिंग करवा के लोगों को एउटा एक्सपीरियंस दिलाने के लिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। फिर भी हम लोग क्या चाहते हैं कि भारतीय हमारा जो प्रिंटर्स एसोसिएशन है, मास्टर प्रिंटर्स एसोसिएशन और दिल्ली प्रिंटर्स एसोसिएशन और लुधियाना का प्रिंटिंग एसोसिएशन, ये सारे एसोसिएशन से भी हमारा कुछ बात भी हुआ है और उन्होंने क्या कहते हैं कि उन्होंने हेल्प करने के लिए, ट्रेनिंग करवाने के लिए, हम लोग को हेल्प करवाने के लिए भी उन लोग आश्वासन भी दिए हैं। जो पढ़ाई करवाते हैं, 2-4 लोग, 10 लोग को भेज दो इंडिया में, जो हम आधा पैसे में पढ़ा देंगे,
उन लोगों को हम लोगों को मतलब आश्वासन भी दिए हैं, फिर भी हम गवर्नमेंट को क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं कि ये हमारा बहुत ही पैसा विदेश जा रहा है, नेपाल का पेंडिंग का काम से बहुत पैसा विदेश जा रहा है, विदेश से लोग ले आकर यहाँ पर नेपाल में काम करवा रहे हैं हम लोग, इसके वजह से हमारा नेपाल का पैसा इंडिया भी जा रहा है। इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं कि नेपाल में वो मैन पावर प्रोडक्शन करके, मैन पावर नेपाल में जो लगाकर उनको जो काम करते हैं तो नेपाल का पैसा नेपाल में रहते हैं, जो विदेश नहीं जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं कि सरकार से ये ट्रेनिंग का व्यवस्था करवाने के लिए सरकार ने सहयोग कर दे, और यहाँ का जो लोकल लेवल का गवर्नमेंट से भी हम लोग मेट्रोपॉलिटन भी हम लोग बात किए हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग के लिए काम करवाने के लिए हम लोग अनुरोध किए हैं, उन्होंने भी सपोर्ट कर दें तो ये काम सक्सेस हो सकता है। यहाँ पर जो चुनौती में आपको तो एक ट्रेनिंग की चुनौती और क्वालिफाइड लेबर की चुनौती होता है, उसके अलावा आप इंक हो गया, मशीन सप्लाई हो गया, पेपर हो गया, इसमें क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं? ऐसे है, नेपाल में अभी भी क्वालिटी लेवल का पेपर का प्रोडक्शन होने वाला मिल नहीं है, क्वालिटी पेपर प्रोडक्शन अभी नेपाल में नहीं हो पा रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत पेपर उत्पादन होने की 4-5 मिल है यहाँ, वो 4-5 मिल ने जो पेपर प्रोडक्शन करते हैं क्वालिटी लेवल का पेपर नहीं प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग चाइना से, इंडिया से, बांग्लादेश से और दूसरी कंट्री से हम लोग पेपर खरीदते हैं। जो पेपर नेपाल में आता है, जो पेपर हम लोग यहाँ पर जो सफिशियंट नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका चुनौती है, बहुत मुश्किल से हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। जो अभी मार्केट में जो प्राइस का वृद्धि हो रहा है, मूल्य जो वृद्धि हो रहा है, ज़्यादा महंगा बन रहा है, इसके लिए भी हम लोग बहुत मुश्किल से चुनौती कर रहे हैं। जो सीआई केमिकल और प्रिंटिंग करने के लिए दूसरे जो जो कच्चा माल जो आवश्यक है ना, वो भी नेपाल में प्रोडक्शन नहीं है। एक दो सीआई का कंपनी है, वो अच्छी तरह का सीआई उत्पादन नहीं कर पाते हैं, फिर भी क्या है समस्या, सारे हम लोग डिपेंडेंट तीसरी मुल्क से हैं, भारत, बांग्लादेश, चाइना, ये सब मुल्क से हम लोग डिपेंडेंट करते हैं। बहुत कागज़ हम लोग बाहर से लाते हैं, बहुत केमिकल बाहर से लाते हैं, बहुत ही चीज़ बाहर से लाते हैं। अगर कोई किसी तरह से बाहर से लाने में बंदेज हो गया तो हमारा यहाँ का प्रिंटिंग इंडस्ट्री बंद होने वाला होता है, यहाँ का प्रोडक्शन से ये सफिशियंट नहीं हुए। इसलिए गवर्नमेंट ने इसके लिए पॉलिसी लेवल में काम करके इसका व्यवस्थापन करना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को भी बहुत इसी हिसाब से बताएँ। फिर दूसरी तरफ क्या है कि नेपाल का बहुत ही प्रिंटिंग का सेक्टर, बहुत ही प्रिंटिंग का काम तीसरी मुल्क में सरकार भेज रहा है, जो यहाँ का जनशिक्षा सामग्री केंद्र है वो काम नहीं कर पाता है। वो गवर्नमेंट का प्रेस है, सरकार का प्रेस है, लेकिन वो सरकार का प्रेस है जो सरकार की तरह से काम अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है, जो जिसके कारण बच्चे लोगों ने वो समय में उनका किताब भी नहीं मिल पाए हैं, उनका बच्चे लोगों का पढ़ने के लिए किताब भी समय में नहीं मिल पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट को बार बार बताए हैं कि निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर से कोऑपरेट करके तो सरकार आगे बढ़ सकता है, इसलिए सरकार इस बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको आपकी प्रिंटर्स की मेंबर्स जो होता है आपके एसोसिएशन की, उनको क्या मैसेज देना है और आप क्या टेक्नोलॉजी बाहर से लाना चाहते हैं? प्रिंटिंग मशीन में बहुत सारे टेक्नोलॉजी आया, डिजिटलाइजेशन में बहुत सारे टेक्नोलॉजी आया है, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कंपनीज जो मशीन बनाते हैं उनसे या जो सप्लायर से, उनसे आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? अभी हम लोग गवर्नमेंट से क्या पूछें कि नेपाल में भी प्रिंटिंग मशीन जो लो लेवल का प्रिंटिंग मशीन है वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब नेपाल में जितना प्रिंटिंग होता है उससे ज़्यादा मशीन आ गया, लेकिन सही तरह का मशीन जो क्वालिटी लेवल में प्रिंटिंग करने वाला लेटेस्ट मशीन अभी भी कम है। तो हम लोग चाहते हैं सरकार से भी हम लोग क्या अनुरोध कर रहे हैं कि जो बाहर से जो मशीन वगैरह सप्लाई करते हैं उन लोगों को भी हम लोग क्या करते हैं सरकार से भी यहाँ का पुराने मशीन जो रिप्लेसमेंट करने चाहते हैं ना, जैसे इंडिया से बेचने की अथॉरिटी है, इंडिया से हम लोग यहाँ लेते आते हैं, यहाँ का भी पुराने मशीन कई जगह बेचने के लिए सरकार ने खुला कर देना चाहिए, बेचना देना चाहिए। जो पुराने मशीन बेचेंगे तो नए मशीन फिर आयात करने में आसानी रहेगा। फिर भी नया टेक्नोलॉजी हम लोग जो चाहते हैं, नया टेक्नोलॉजी में हम लोग जाने चाहते हैं, उस तरफ का जो सामान मशीन हम लोग आयात करते हैं, जो सप्लायर्स लोग है, सप्लायर्स लोग क्या कहते हैं कि जो टेक्नीशियन का भी सपोर्टिंग का जरूरी है, जो उन्होंने टेक्नीशियन ने भी हम लोग सपोर्ट करें काम करके लिए। यहाँ आइडल वर्क का मशीन आता है, चेक का मशीन आता है,
और ये कोमोरी का मशीन आता है खासकर, हाँ भारत थ्रू आता है और डायरेक्ट भी थर्ड कंट्री से भी आते हैं, भारत का भी बहुत आते हैं, प्रकाश की कंपनी का मशीन बहुत चलते हैं, वही मशीन लेकर ये रोए भी क्या नाम का ये मशीन भी वो प्रोडक्शन करते हैं, वो भी चलता है यहाँ, ठीक है ना। अब ये खास करी का वो मुख्यतया आपको जो लेमिनेशन का मशीन है और ये डाई कटिंग का मशीन है और ये प्रोफेटिंग और यूवी का मशीन है, ये सारे भारत के ही चलते हैं, सारे भारत के मशीन चलते हैं। और पैकेजिंग की आपने थोड़ी देर पहले बात किया था, पैकेजिंग इंडस्ट्री में क्या चलता है यहाँ पर अभी, क्या सिचुएशन? पैकेजिंग इंडस्ट्री में अभी तो यहाँ ये थोड़ा सा ये कार्टून का काम चलता है थोड़ा बहुत, और ये मिठाई वगैरह पैकिंग करने के लिए, खाने का पैकिंग करने के लिए, और औषधि जो मेडिसिन का सारे काम भारत से होता है, अभी सारा मेडिसिन का ये पैकेजिंग का काम इंडिया से होता है, अब नेपाल में कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो पैकेजिंग का जो खाने का ये औषधि का ये जो साबुन का ये टूथपेस्ट का ये सारी ये कागज़ के काम होने वाला जो पैकेजिंग के काम है नेपाल में थोड़ा बहुत चल रहा है, अभी तो डिपेंडेंट भारत में है, फिर भी अब यहाँ लोगों ने ये काम करने के लिए शुरू कर रहे हैं। तो पिछले 15-20 साल में क्या ग्रोथ हुआ है इंडस्ट्री, कितना परसेंटेज? नहीं, ये तो प्रिंटिंग का सेक्टर में ऐसा है ना सर, ये प्रिंटिंग में क्या हो रहा है कि ये करीब करीब आज से करीब 30 साल पहले जो नेपाल में 40 साल करीब हो गया होगा, 30-35 साल हो गया, ये नेपाल में जो एक प्रजातंत्र जो समझते हैं ये डेमोक्रेसी का जो उदय हो गया, तब से प्रेस का सेक्टर में बहुत ही विकास हो गया, उससे पहले बहुत कम था। तो इसलिए ये जो डेमोक्रेसी का जो नेपाल में जो स्थापना हो गया, तो उससे एजिटी बहुत ही एक ही बार ने प्रिंटिंग सेक्टर ने आगे बढ़ गया, फिर भी ये पॉपुलेशन के हिसाब किताब से काम की हिसाब किताब से जितना बढ़ना था उतना प्रिंटिंग सेक्टर में आगे नहीं बढ़ पाया, फिर भी क्वालिटी लेवल में जाने के लिए अच्छा काम करने के लिए ये विकास हो रहा है, बहुत ही विकास हो रहा है। अभी देखते समय में प्रिंटिंग का जो चैलेंज है, प्रिंटिंग का जो भविष्य है नेपाल में उतना पीछे नहीं है, आगे है, जो जितना पीछे जाने जो जितना जो बाहर से जो प्रिंटिंग सेक्टर के लिए जो गिरावट हो रहा है, तो पैकेजिंग सेक्टर में जो चीज़ जा रहा है इसके लिए ये क्या हो रहा है नेपाल में अभी उसको लोअर लेवल में नहीं जा रहा है, प्रिंटिंग सेक्टर में आगे ही है, आगे बढ़ने के लिए इसका भविष्य भी अच्छा दिखाई देता है। आप लोगों ने सुन लिया, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और रॉ मटेरियल की ज़रूरत है और इसके अलावा ट्रेनिंग सेक्टर की ज़रूरत है, इसके लिए अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इस सेक्टर में फोकस करिएगा। आप अगर आप मशीन मैन्युफैक्चरर हैं तो आप नेपाल में अपने लोकल ऑफिस खोलिएगा, रॉ मटेरियल सप्लायर है तो यहाँ पर आपके डिस्ट्रीब्यूटर या आपकी खुद की ऑफिस स्टार्ट करिएगा। इन्होंने बताया वैसा यहाँ पर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ग्रोइंग कंट्री है, यहाँ पर अभी भी बहुत सारे चीज़ की ज़रूरत है, आने वाले दिनों में भविष्य प्रिंटिंग इंडस्ट्री की बहुत बढ़ने वाला है। सर, आपने हमें टाइम दिया और आपकी इनसाइट दिया, आपकी नॉलेज दिया, इतना सालों से आप काम करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रिंटिंग इंडस्ट्री डिजिटलाइजेशन के अलावा नया टेक्नोलॉजी ले आएंगे और आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा और आने वाले दिनों में भविष्य अच्छा रहेगा, फ्यूचर इज़ ब्राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मॉडर्न बिजनेस टीवी एंड मॉडर्न प्लास्टिक्स टीवी। We wish you all the best and your association work together, grow together. Have a wonderful time.